और एक बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका से आ रही, जहां पर अमेरिका के वर्जीनिया में खूनी खेल खेला गया है। वॉलमार्ट स्टोर में फायरिंग की घटना सामने आई है, 10 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस फिलहाल उस पूरे इमारत में छानबीन कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि शूटर को फिलहाल मारा गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही, तो अमेरिका में वर्जीनिया के चेसापीक स्थित वॉलमार्ट स्टोर में सामूहिक गोलीबारी में 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। फायरिंग की घटना का पता चलते ही चेसापीक पुलिस ने बैटलफील्ड ब्लॉक के ठीक सामने वॉलमार्ट में कथित सक्रिय शूटर को पकड़ने में प्रयास किया और उस पर फायरिंग भी की। हालांकि जानकारी ये मिल पा रही कि शूटर को मार गिराया गया है। तो चेसापीक पुलिस डिपार्टमेंट का यह कहना है कि करीब 10 लोगों की इसमें मौत हुई है और कई लोग इसमें घायल हैं। इमारत की छानबीन की जा रही है पुलिस की तरफ से। पुलिस का यह मानना है कि शूटर मारा गया, लेकिन लोगों को अभी इमारत से दूर रहने के लिए कहा गया है। उनसे सलाह दी गई लोगों को कि क्या इस इमारत से फिलहाल वो दूर रहें, इसके आसपास न आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो फायरिंग की ये सूचना देने वाला जो कॉल था वो तकरीबन मंगलवार रात 10:12 पर आया।